को मेरे YouTube पे मिली। कैसी हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मटर पुलाव की मजेदार सी रेसिपी लेकर आई हैं, जो बहुत मजे से बनाई है, इजी तरीके से बनाई और मजेदार रायता के साथ आप खा लें। अभी स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार रेसिपी, किस तरह बनाई है, चलती है रेसिपी की तरफ चलती है। ये देखिए, अभी डेगची के अंदर एक कप घी भी आप डाल सकते हैं। देख भी अभी इसमें तकरीबन 2 बड़े साइज के प्याज डाल दिए। अभी ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हमारे प्याज अभी रेडी हो गए। प्याज को जरा जलाना नहीं है। अभी इसमें कड़ा मसाला ऐड करते हैं, ये टेस्ट होता है। और ये 2 बादियां फूल है और 2 मोटी इलायची है साबित, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग और थोड़ा सा काली मिर्च साबित है। इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर ले। के बाद इसमें ऐड करते हैं मटर। और साथ में शामिल करते हैं आलू। जिनको मटर पसंद है उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है। इसके बाद इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन की दरदरा पेस्ट और 2 हरी मिर्च, इस तरह इसको भी मोटे मोटे काफी इसमें शामिल कर लिए। और इस सबको मिक्स कर लिए। थोड़ा सा इसे भून ले, डायरेक्ट इसमें पानी ऐड नहीं करना। 1 मिनट तक इसको भून ले ताकि मटर का इसमें निकल जाए। अभी इसमें शामिल करते हैं पानी। ये 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर लिए। अब इसको गलने के लिए छोड़ देती है। अभी इसका कैप बंद कर दें। ये आलू और मटर का पानी थोड़ा ड्राई हो गया है, 1 गिलास रह गया है। अभी इसमें शामिल करते हैं पुलाव मसाला है। इसको मिक्स कर लें। पुलाव मसाले में जो ये साबित मसाले होते हैं खड़ा, ये सारे इसमें शामिल हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी मिर्च शामिल है, वो रेड मिर्च शामिल नहीं है क्योंकि ये पुलाव मसाला है, ज्यादा स्पाइस नहीं होते। अब इसके बाद इसमें शामिल करते हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें शामिल करते हैं हरी मिर्च। इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। इसके बाद इसको छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखे माशाल्लाह, अभी आलू मटर तकरीबन इसका ज्यादा हिस्सा अभी रेडी हो गया, पक गया है। पूरे इसको पकाना नहीं है क्योंकि अभी इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अभी इसमें शामिल करते हैं नमक, अजवे जायका, इसके बाद हरा धनिया फ्रेश और ये करी पत्ता है ड्राई, अगर फ्रेश है तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करती हैं गाजर। अभी इसमें पानी शामिल करती हैं। पानी डालती हैं। अभी इसमें शामिल करती हैं चावल। ये सेला चावल नहीं है, बासमती चावल है। कोई भी चावल से आप बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह तजुर्बा हो तो आप माशाल्लाह बना सकते हैं मजेदार पुलाव किसी भी चावल के साथ। अभी इसको मिक्स करते हैं। 1 लीटर पानी इसमें ऐड है। अभी थोड़ा इसको मिक्स करते हैं। इसके बाद इसको आई अभी फ्लेम पे इसको बॉईल देंगे। जब ये पानी कम हो गए इसके बाद इसको दम पे रख देंगे कि अभी इसका पानी ड्राई हो गया है। अभी इसमें शामिल करते हैं ये घी या तेल, जो आपकी मर्जी है आप इसके ऊपर डाल दें। 4 टेबल स्पून है ये। अब इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद ये रेडी होंगे। रहमान रहीम। अभी चेक करते हैं कि हमारे मजेदार पुलाव रेडी हो गई। ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह।
जो लोग सब्जियां खाती हैं, मटर की शौकीन है, वो माशाल्लाह बना सकती हैं अपने लिए मजेदार सी फ्लाओ। अभी ये रेडी हो गए हैं, आप बनाइए माशाल्लाह, ट्राई करें, इंशाल्लाह इसी तरह मजेदार बनेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।